चलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूँ, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमिवे वर्सेस कृष्णा की तरफ से। तो सबसे पहले तो जो स्काउट हैं वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उन्होंने इस मैटर पे क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। मचाएंगे फोर भाई, वो तो मैंने सुना हुआ है रे बाबा। मचाएंगे फोर तो ऑब्वियसली सुना हुआ है भाई। तुम कैसे बोल सकते हो कि आदमी ये कैसे मैं नहीं सुन सकता हूँ? मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ मैं कैसे नहीं सुन सकता? तो भाई का गाना है भाई, इसमें सवाल ही नहीं है ब्रो। लिरिकल गॉड भाई, लिरिकल गॉड। ये सेक्सी बात लगा भाई, क्रेजी क्रेजी भाई। मैंने सुना है एमवी का भी सुना है, नो डाउट उसने भी बहुत गानफट बनाया, पर एमवी में सिर्फ वही है, तेरी माँ की चो, तेरी माँ को ये, तेरी माँ को वो, तेरी माँ को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वही है जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ हेटर्स, बस वही है। तो मेरे को ऐसा फॉर मी ऑब्वियसली, अगर वो ज़्यादा माँ माँ की जगह जाके अगर उससे बेटर कुछ और ऐसा जो कुछ पंचलाइन चलता ज़्यादा मज़ा भी आता। बट आई फील या कृष्णा इज़ द विनर फॉर मी ऑल टाइम, कृष्णा इज़ द विनर। बट आप लोग का कुछ अलग ओपिनियन होगा, अलग चीज़ है। को अगर मेरे को यहाँ पे कृष्णा का बेटर लगा तो बेटर लगा, और थोड़ी कर सकते हो भाई आपको वो भी अच्छा लगे। इसका एमवीए का वो 8 मिनट वाला जो था, वो वाला वो मेरे को ये 10 मिनट वाले से बेटर लगा था। 10 मिनट वाला थोड़ा ज़्यादा ये हो गया सिर्फ गालियों पे, वो 8 मिनट वाला बेटर था 10 मिनट वाले से। बेचारे कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता उसमें। साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में मुनावर फारूकी की एक स्टोरी दिखाई हुई थी और उसी का स्क्रीनशॉट लेके जो एमिवे हैं उन्होंने भी शेयर किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसी के कुछ ही देर बाद दोनों ने वो स्टोरी हटा दी हुई थी। अब क्यों हटाई हुई है अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही एमिवे ने अपने इंस्टाग्राम पे आज एक पोस्ट डाला हुआ था, आप देख सकते हो, और इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था थैंक्स टू माई हेटर्स दिस संडे। नीचे उन्होंने एक हैशटैग भी लगाया हुआ था, हैशटैग थैंक्स टू हेटर्स। वैसा लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि संडे को वो हेटर्स के लिए कोई सॉन्ग रिलीज करें, पर हो सकता है कि वो उनकी ईपी भी रिलीज करें क्योंकि लास्ट डिस्ट्रैक्ट में उन्होंने उनकी ईपी के बारे में बताया हुआ था। साथ ही एमिवे ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ और भी स्टोरी शेयर की हुई थी, आप देख सकते हो ये पोस्ट, जिसमें कि कुछ यूट्यूब चैनल है जिन्होंने की एक कम्युनिटी पोल रखा हुआ था एमिवे वर्सेस कृष्णा पर, जिसमें कि एमिवे को ज्यादा वोट मिले हुए हैं, उन्हीं के स्क्रीनशॉट हैं। और इसी को शेयर करते हुए एमिवे ने लिखा हुआ है अपन नहीं बोलते जनता बोलती है। साथ ही एमिवे ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ था और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था आज एक दिन में 5 मिलियन पार है, फर्स्ट डिस्ट्रैक्ट एवर इन द सीन, वॉट 5 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक। साथ जो बंटा रिकॉर्ड के आर्टिस्ट सहज हैं उन्होंने भी एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था खुद से अपने आप को विनर बताने वाली पब्लिक फर्स्ट टाइम देखा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कर्मा है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था दिस पिक इज अपलोडेड बाय अ बॉट। साथ ही जो थगेश है उन्होंने भी एक वीडियो डाली हुई है कृष्णा वर्सेज एमिवे पर, तो उसकी आप छोटी सी क्लिप देख सकते हो। मारपीट मत करो, दोनों रैपर्स पैसे कमा के घर चले गए, रैपर्स पैसा कमा पा रहे क्या? Yes। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो हसल 2 में बादशाह जज होने वाले हैं, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। साथ ही सहज ऑन द बीट और एक नए रैपर AV17 का नया गाना रिलीज हुआ है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको एक कपाजी ने भी शेयर करते हुए लिखा हुआ है 17 से खतरा। साथ ही मूवपार्ट का भी नया सॉन्ग रिलीज हो चुका है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।